चलिए प्रकाश ज्ञान सागर में आप सभी बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का दूसरा चैप्टर स्थिति, हिमालय की स्थिति और विस्तार का जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे हिमालय का उत्पत्ति हुआ, इसका विस्तार कैसा है, कहाँ तक चौड़ाई है, कितना लंबा है हमारा हिमालय, इसके बारे में जितनी भी जानकारी है इसको हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करेंगे हिमालय। सबसे पहले समझना है कि पहले पृथ्वी हमारी जो थी, एक साइड पूरा समुद्र था और दूसरी तरफ सारा का सारा भू क्षेत्र एक तरफ था। जो भूमि का क्षेत्र था उसे कहा जाता था पेंजिया, और जो पानी का पूरा क्षेत्र था उसे कहा जाता था पेंथालासा। भूमि सब एक जगह था, पानी सब एक जगह था, तो पानी के पूरे क्षेत्र को कहा जाता था पेंथालासा और भूमि के पूरे क्षेत्र को कहा जाता था पेंजिया। आगे चलकर किसी पेंजिया में आप लोग जानते हो कि हमारा पृथ्वी कई प्लेटों में बटा हुआ है, कभी कभी एक दूसरे से दूर जाती है, कभी कभी एक दूसरे के पास आती है। इसी तरह से इस जो पूरा का पूरा भूखंड था इसका प्लेट बंटवारा हो गया, और बंटवारा हुआ तो जो पेंजिया था यानी भूमि का टुकड़ा, यह दो भागों में बटा। एक को कहते थे अंगारा लैंड और एक को कहा जाता है गोंडवाना लैंड। पहले कहते थे अंगारा लैंड, मतलब ऊपर वाले को अंगारा लैंड, और नीचे वाले को कहते थे गोंडवाना लैंड। इनमें जब दूरिया बढ़ी तो इनके बीच पानी का क्षेत्र आया, और इसी पानी के क्षेत्र को टेथिस सागर नाम दिया गया, टेथिस सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर स्थित था इसी को कहा जाता था टेथिस सागर। कुछ दिनों बाद इसमें बहुत ज्यादा दूरी हुआ, ज्यादा दूरी होने के बाद फिर से गोंडवाना लैंड से एक जो प्लेट थी यह निकल करके ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर सरकने लगी, जो प्लेट का नाम था भारतीय प्लेट। यह प्लेट कौन सी थी? भारतीय प्लेट। और यह प्लेट गोंडवाना लैंड से निकल करके धीरे धीरे अंगारा लैंड की तरफ बढ़ने लगी। बाद में यही अंगारा लैंड यूरेशियन प्लेट, मतलब इनमें बहुत सारा बिखराव हुआ इन सब प्लेटों में भी, और उसी में से एक प्लेट जो एशिया और यूरोप जो हमारा फैला हुआ है उसको सामूहिक रूप से हम यूरेशिया कहते हैं, यूरेशियन प्लेटे। इसी प्लेटों में दक्षिण की तरफ जाकर के भारतीय प्लेटे क्या हुई, टकरा गई। जब हम किसी दो वस्तु को टकराते हैं और नीचे जाने के लिए जगह ना हो तो हमेशा वस्तुएं ऊपर उठेगी, जैसे कि ये दो, ये पहले से थी यूरेशियन प्लेटे और ये भारतीय प्लेटे। भारतीय और यूरेशियन प्लेटे जब टकराई तो ये धीरे धीरे कहां उठने लगी, ऊपर की ओर उठने लगी। इसी से हिमालय पर्वत हमारा बना। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई तो यहाँ का भूमि क्षेत्र धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगा, दबाव बढ़ता गया, और इसी के कारण जिस पर्वत का निर्माण हुआ उस पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत। आगे हिमालय की उत्पत्ति मैंने आपको यहाँ पे बताया, यह एक प्रकार का गलित पर्वत है, मुरदार पर्वत है। कहने का मतलब है कि जो टेथिस सागर था ना, टेथिस सागर का जो कचरा था, जो वहां का मिट्टी था, वो सब मलबे के रूप में ऊपर की तरफ उठ गया, और जिससे एक मुरादार चट्टान की पर्वत बना, इसी को हम हिमालय पर्वत कहते हैं। यानी हमारा हिमालय जो पर्वत है वो कैसा है, मुरादार है और बलित है। आगे जो टेथिस सागर का पानी था, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये टेथिस सागर था, यहाँ पर भी ये जो क्षेत्र था ये टेथिस सागर का क्षेत्र था, जब यहाँ पे आके टकराया तो इसका पानी पश्चिम दिशा की तरफ हट गया, इसका पानी किधर हट गया, पश्चिम दिशा की ओर हट गया। और यही टेथिस सागर आगे चल करके जब इसका पानी पश्चिम की ओर हटा, यह अरब सागर के नाम से विख्यात हुआ। अगर आपसे पूछा जाए बताइए टेथिस सागर का नया रूप क्या है, तो यही अरब सागर है जो भारत के पश्चिमी दिशा की तरफ है। आगे चलते हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय तो बन गया, हिमालय का विस्तार कितना हुआ, इसका विस्तार है 2500 किलोमीटर, क्या है, लंबा है, और इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई वो कहीं कहीं 150 किलोमीटर तक है, तो कहीं कहीं 200 किलोमीटर तक यह चौड़ा है, मतलब कि कहीं कहीं यह हिमालय बहुत ही ज्यादा चौड़ा है 250 किलोमीटर तक, तो कहीं कहीं यह बहुत कम ही चौड़ा है जैसे कि 150 किलोमीटर तक।
इसके जो सर्वोच्च चोटियां हैं इन सभी चोटियों को जोड़ करके और इनकी ऊंचाइयों को जोड़ करके जब संख्या से भाग दी जाती है तो जो औसत निकल के आता है चोटियों का वह 6000 मीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि हिमालय में स्थित सभी चोटियों का औसत जो ऊंचाई है वो कितना है, 6000 मीटर है। हिमालय इधर से इधर फैला है 2500 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 250 किलोमीटर। आगे हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई इसकी कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8848 या 8850, कहीं कहीं 50 भी देता है और 48 भी देता है, यह किक देता है। तो हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कई भूगोलवेत्ता मानते हैं कि हिमालय का जो यूरेशियन प्लेटें है और भारतीय प्लेटें है तो भारतीय प्लेटें अब भी यूरेशियन प्लेटें को धाता दे रही है जिसके कारण धीरे धीरे अभी भी उठ रहा है। तो कुछ लोगों का मानना है कि यह 2 मीटर तक उठ चुकी है और कुछ लोग कहते हैं नहीं यह पुराने ही स्थिति में है। तो इसलिए इसका आंसर 2 हो जाता है, 248 और 8848 और 8850। आगे नेपाल में इसी माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थिति अगर पूछा जाए बताइए माउंट एवरेस्ट किन देशों के बीच है, तो माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल के सीमा के बीच स्थित है। चीन और नेपाल का जो सीमा है ऊपर में चीन और नीचे में नेपाल, इसका जो सीमा है इसी सीमा के बीचों बीच इसका फैलाव है। यह 8848 मीटर सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं अन्य नाम हिमालय के, अन्य नाम हिमालय के अन्य नाम मतलब कि हम लोग अलग अलग देशों में हिमालय को किस किस नाम से जानते हैं। तो भारत में तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, हिमालय ही कहा जाता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम हो जाता है जैसे गारो खासी जयंतिया ये सब हिमालय के ही भाग है, लेकिन मुख्यतः भारत में हिमालय को हिमालय ही कहा जाता है। लेकिन जब यही आप लोग पाकिस्तान में जाते हैं, हरी वाला जो क्षेत्र है भारत के पीछे का ये वाला किसका है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, और जब आप लोग पाकिस्तान में जाते हैं तो ये कहलाता है सुलेमान श्रेणियां। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं मिलते हैं, श्रेणी छोटी 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 पहाड़ियां मिलती है जिसको श्रेणी कहा जाता है, तो पाकिस्तान में ही इसका नाम पड़ जाता है सुलेमान श्रेणी। इसी तरह से जब इसके पीछे आते हैं तो यहाँ पे हमारा पड़ता है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में इसको कहा जाता है हिंदू कुश। इसको क्या कहा जाता है, हिंदू कुश। पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, अफगानिस्तान में इसे हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब हम अपने पूरब की तरफ जाते हैं यानी म्यांमार देश में जाते हैं, बर्मा में जाते हैं, तो इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है अराकानियोमा। अर्थात हिमालय को भारत में हिमालय, पाकिस्तान में सुलेमान श्रेणी, अफगानिस्तान में हिंदू कुश और म्यांमार में अराकानियोमा के नाम से जानी जाती है। अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आया और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को आपको बढ़िया से समझाकर पढ़ाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त के पास भी शेयर करें। अगर आपको क्लास और मेहनत समझ में आती है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आगे और भी इसका जो इसके बाद हिमालय का विस्तार, इसके बाद हिमालय के भाग, हिमालय के कई भाग है, ट्रांस हिमालय, हिमालय में क्या अंतर है, सभी प्रकार के वीडियो आपके डे बाय डे कवर कराया जाएगा। इसलिए चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।